नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों अब बच चुके हैं, दोस्तों आम खा लीजिए सुबह ये लो। तो दोस्तों बच चुके हैं सुबह के 6 साढ़े छः। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं, और ये मुझे यही काम चैन से बैठने नहीं, ये तो मेरे को चैन से बिल्कुल नहीं बैठने देती है। चलो 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 चलो, नड़ा नड़ू के फ्री होते हैं। अब हमारा थोड़ा सा ही रह रहा है वो खेत, तो फिर उसके बाद हम फ्री हैं। देखो स्टैंड भी ले जा रहे हैं, वहाँ नड़ाएगी पता नहीं, वीडियो बनाएगी पता नहीं। तो अब हम जा रहे हैं, अभी तो घर से निकले हैं। ये देखो यहाँ बाजरा तो बेग लाए, यहाँ बाजरा लगाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से खरीदी गई, बारिश नहीं हो रही है। तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं, तो हमें कुछ लेडीज मिली, उन्होंने कहा देखो तुमने स्पेशल ले रखा है नड़ाने के लिए छोटा फावड़ा। मुझे इससे सही नड़ता है, खुरपे से नहीं नड़ता, इसलिए वैसे मेरे को ये सही लगता है। कौन कौन इससे सही नड़ाता है मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। इनके बाद अच्छा है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं खेत के अंदर, और आप देख रहे हैं सुबह सुबह तो गीली होती है, तो पैर सब गीले हो चुके हैं क्योंकि ओस पड़ रही है सुबह सुबह। तो इस खेत में तो इतनी सांगनी तिल्ली नहीं है, बहुत बेगड़ी तिल्ली है, फिर भी इन्होंने नड़ाई है, लेकिन नड़ाने से सही हो जाएगी ये। तो देखते हैं अब शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं इधर उधर से है खेत, माता रानी का स्थान है, इधर पापा भी आ गए हैं देखो, और पीछे को वहाँ तक है ही, और थोड़ा सा रह गया, कितना रह गया उधर तक नड़ जाओ, इधर को तो बहुत, इधर को तो सांगनी भी रोन है ना। तो दोस्तों चल जाए इधर को, हमारे ये सब निचले वास के पंडितों के घर हैं है? क्या अच्छा 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 तो इसमें तिल्ली उपाड़नी पड़ेगी, नड़ा ना पड़े। तो दोस्तों ये देखो कितनी गहरी और कितनी सांगनी तिल्ली है यहाँ पे, इसलिए इसको उपाड़नी पड़ेगी। और ये क्योंकि रौन है ना नीचे की तरफ, तो बारिश में नीचे की तरफ सब कुछ ज़्यादा हुआ है, इसलिए देखो कितनी गहरी और सांगनी है, तो इसको हम बेगड़ा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब लगते हैं हम काम पे, रहो बताते हैं। उस दिन का कॉम्पिटिशन तो हार गई थी, आज ये कॉम्पिटिशन कोई करेगी नहीं, इसलिए ना करें ना कोई कंपटीशन, फिर आ रहेगी फिर पड़ा है डॉक्टर। चलो शुरू कर। तो दोस्तों हमारे लिए देखो कितनी ज़्यादा मतलब गहरी है यहाँ पे सांगनी है, तो इसको उपाड़ रहे हैं। आज हम सुबह सुबह आ गए खेत पे काम करने के लिए, दोनों आए जी जी आए, ये देखो कितनी स्पीड है मतलब इनकी, तो मेहरबानी से ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों आप ही बताने का मेंटल देख कौन ज़्यादा काम करता है कौन उपाड़ता है। चलो उपाड़ कर काम करने के बाद पानी पीने का मजा ही अलग होता है, समझ गए। पूरे हाथ सीखने होंगे तिल्ली।
एक घंटा तो लग गया होगा। हाँ एक घंटे में इतना सुना। जी जी भी आ गई है। बताओ या अठ जाएगी ना जब कौन आऊंगा सिल्पे सिल्पे हाथ। दिल्ली में तो रहेंगे। हाँ आम फिर कह दिवा सूख जाएगी ना। दिल्ली में तो तेल रहता तो तेल ला रही बाहर है उसकी वजह से हो रहे हैं हाथ। चलो तो दोस्तों और कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा और रह गया है फिर। कौन सी टाइम है आप की कई टाइम हो रही है दस तो हैं और आराम से और आ रही है बीड़ी पी थी नहीं तो सोचो भाई टाइम पर चला हम बखा नहीं तो बनाऊंगा ले जा रहे दर दर कर जी खुरपी काई करेगी तो दोस्तों हम आ चुके हैं खेत से और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और भूख भी लग रही है। काफ़ी सारा काम कर लिया हमने। 9:30 बजे हैं सुबह के गए थे हम लोग। थोड़ा सा ही रह गया अब तो बाकी तो नला दिया है। एक चाची है। हाँ हाँ वो दोनों नला देंगे उसको। तो हम घर आ गए हैं पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं देखते हैं। इस छोंकड़े के नीचे तो बहुत अच्छा लगता है इस पेड़ के नीचे। हाँ देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है मैं तो जाते ही नहाऊंगा सबसे पहले। ये देखो दोस्तों घर आ गए हम। पापा ने पता नहीं क्या कर रखा कुछ आँच वाँच जला रखी है। ठीक है दोस्तों बाय बाय अलविदा आज के ब्लॉग तक। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपको। नमस्कार सभी को।